ग्राउंड का स्टेडियम तो खचाखच भरा ही था और आसपास के पेड़ों पर भी लोग बैठ करके मैच को देख रहे थे। बधाई छो हमारो सीडो क्रिकेट खिलाड़ी रे पूरा नेपाल को लागी। चैनल रिएक्शन इंडिया में तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेपाल के ऊपर। बेसिकली नेपाल का हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे एक अच्छा रिस्पांस गया आप लोगों का और काफी लोगों ने कमेंट भी किया कि आप नेपाल सिटी को एक मतलब ओरिजिनल कंटेंट की तरह आप प्रेजेंट करें। तो आज एक मतलब एक कह सकते एक मिरेकल टाइप का हुआ है नेपाल में। नेपाल इसका टाइटल है नेपाल ने रचा इतिहास वर्ल्ड कप। हाँ तो वर्ल्ड कप से समझ गए होंगे नेपाल भी अब क्रिकेट की दुनिया में रचने जा रहा है और 12 मैचों में जिसमें 11 मैच उसने जीते हैं और वर्ल्ड कप में एंट्री भी हो चुकी है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा एक उसके लिए विनिंग मोमेंट है और इस चीज के लिए जो है ना इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी नेपाल में मैच को देखने के लिए, इतने ज्यादा लोग आए थे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो था इतना क्राउड हो रखा है और नेपाल में कहा मतलब ये वीडियो जो आई है इसमें लोग मतलब एक होता ना कि मैच देखने के लिए जो एक होते हैं कि वो दिखता है प्यार दिखता है वो चीज इस वीडियो में दिखाई दिया। तो पहले वीडियो देखते हैं उसके बाद जो है बताएंगे हमें कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो लेट स्टार्ट। दोस्तों क्रिकेट की दीवानगी नेपाल में हाल ही में देखने को मिली, साथ ही साथ नेपाल ने हाल ही में यूएई के साथ वो मैच भी जीत लिया जो काफी रोमांचक था। और इस मैच के दौरान ये भी पता चला कि क्रिकेट नेपाल में कितना लोकप्रिय है क्योंकि इसकी गवाही कुछ तस्वीरें ही दे रही है। दोस्तों गुरुवार को नेपाल वर्सेस यूएई के बीच में मुकाबला चल रहा था, यानी कि ये मुकाबला आज था जिसमें बड़ी संख्या में दर्शकों को मैच में देखा जा सकता है जो कि कीर्तिपुर के त्रिभुवन नेशनल यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में हो रहा था। और इस मुकाबले में काफी ज्यादा भीड़ देखी गई। ग्राउंड का स्टेडियम तो खचाखच भरा ही था और आसपास के पेड़ों पर भी लोग बैठ करके मैच को देख रहे थे जो दृश्य अपने आप में काफी ज्यादा विशाल क्रिकेट फैंस का लग रहा था। दोस्तों इस मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 6 विकेट के नुकसान पर 310 रन बनाए थे जबकि नेपाल की शुरुआत काफी खराब ही हुई थी। 181 रन पे 5 विकेट नेपाल खो चुका था और खराब रोशनी की वजह से खेल को रोकना पड़ा और तभी DLS मेथड के जरिए नेपाल को विजेता घोषित किया गया। और इस जीत के बाद नेपाल क्वालिफाई हो चुका है 2023 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए और इससे सारे ही दर्शक काफी ज्यादा खुश थे। तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे नेपाल को, हम भी साथ ही अगर आपको भी मन कर रहा है कॉन्ग्रेचुलेट करने का और नेपाल की क्रिकेट टीम को प्यार देने का तो कमेंट बॉक्स में भर के प्यार जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी क्रिकेट फैन हो तो अपने फेवरेट प्लेयर का नाम जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, साथ ही अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के भेज दीजिए। धन्यवाद। NINews कॉन्ग्रेचुलेशन टू नेपाल फ्रॉम इंडिया टू ऑल नेपाल पीपल। तो मतलब नेपाल से बहुत सारी इंडिया से बधाइयां हैं लोगों के लिए, बधाई नेपाल क्रिकेट टीम को, बिग कांग्रेचुलेशन टू नेपाल क्रिकेट टीम। माय विश टू सी इंडिया वर्सेस नेपाल इन द सेम फील्ड ऑफ द क्रिकेट मैच। काफी लोगों की ये भी इच्छाएं हैं कि वो इंडिया और नेपाल को एक साथ देखना चाहते हैं। तो मतलब नेपाल भी इस फील्ड में उतरा है और इतनी धमाकेदार एंट्री के साथ ICC टूर्नामेंट में जो है वर्ल्ड कप में एंट्री ली है तो ये बहुत बड़ी बात है और UAE को उन्होंने हराया है। तो देखा जाएगा कि एक बार जब इंडिया के साथ मैच होगा तो कैसा होगा। तो ये क्राउड भी देखने को मतलब अलग था कि तब जैसे तो और भी ज्यादा होगा, इतना कम थोड़ी ना होगा। पहले ऐसे इंडिया में भी था जब स्टार्टिंग में मैच आता था तो लोग इतना पागल होते थे, लोग पेड़ों पे चढ़ के देखते थे और दूर दूर से आते थे। लेकिन अभी ये क्राउड सेम ना नेपाल में देखने को मिल रहा है तो उन नेपाल के लोगों के लिए काफी एक प्राउड वाला मोमेंट है। तो बधाई छो हमारो सीडो क्रिकेट खिलाड़ी रे पूरा नेपाल को लागी। ये नेपाली लैंग्वेज नेपाल। आई एम हैप्पी फॉर नेपाल बट सैड फॉर UAE। अच्छा मतलब काफी लोग कमेंट कर रहे हैं ना नेपाल का जो है ये बेसिकली प्राउड मोमेंट है और ये वीडियो शो करता है कि कितने ज्यादा सपोर्टर हैं क्रिकेट के। क्रिकेट लवर्स तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं बट सपोर्टर्स नेपाल के भी काफी ज्यादा हैं नेपाल में। और ये मैच भी शायद अब फाइनल में अगर होता है तो उसके बाद देखते हैं कि हम किसके साथ जो है ये टूर्नामेंट आगे होगा और वर्ल्ड कप में एंट्री जो 2023 में जो मैच होने वाला है उसमें वो देखने में मजा आएगा कि नेपाली फैंस और बांग्लादेश की भी जो टक्कर होने वाली है वो भी आने वाले हैं, फिर इंडिया के लोग भी। तो देखते हैं कि कैसा होता है ना, कोलैप्स होगा फिर एक अलग अलग आएगा मैच का मतलब इस बार 2023 में नेपाल के लिए थोड़ा अलग होने वाला है। तो अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं, आपको भी ये मैच अच्छा लगा, आप भी अपने नेपाल की टीम को सपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि इंडिया और नेपाल का भी मैच हो, एक सेम ग्राउंड में दिखे हो, तो आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम जरूर जुड़े रहेंगे आपके साथ और नेपाल को भी हम अच्छे से विजिट करेंगे।
कैसा लगा तुम्हें फिर? क्राउड लगा ठीक है, बहुत ज्यादा है यार, क्राउड काफी ज्यादा था और ये तो होना ही था। तो मिलते हैं फिर हम एक और वीडियो के साथ, अभी हम जल्दी मिलेंगे आपसे और नई नई वीडियो लाते रहेंगे नेपाल के लिए। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए, जिससे हम अच्छे अच्छे कंटेंट और पॉजिटिव चीज़ें नेपाल की हम शो कर सके दुनिया के सामने। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही।